हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड यू आर सेफ एट योर होम्स। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर के बारे में बात करने वाले हैं एंड दैट इज़ हाउ टू डील विद एंजाइटी ड्यूरिंग अ पेंडेमिक, हाउ टू ओवरकम द फियर एंड वरीज दैट यू आर फेसिंग एट दिस करंट सिचुएशन ऑफ कोविड। आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो ऑन रिक्वेस्ट, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट किया था, उनकी अपनी सोसाइटी में ब्लैक फंगस के केसेस आ गए हैं एंड दे आर रियली वरिड, दे आर वरिड फॉर देमसेल्स, दे आर वरिड फॉर देयर फैमिली। और ये फियर गलत नहीं है, आई अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ नेचुरल। सो इस डर के बारे में, ब्लैक फंगस के बारे में हम एंड ऑफ द वीडियो में बात करेंगे और मैं आपको बहुत अच्छा सोल्यूशन देने वाली हूँ टू ओवरकम दैट फियर ऑल्सो। ओके, मुझे लगता है कि ये वीडियो सबके लिए बहुत नीडेड है, सबको देखना चाहिए एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिलेगा जिससे आपकी हेल्प होगी, या तो आपको कुछ ऐसी टिप्स मिलेंगी जिससे आपके अपनों की कुछ हेल्प हो सकेगी। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड लेट मी नो योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। मुझे अच्छा लगेगा अगर आपकी कुछ हेल्प हो पाए। सो हम सबको पता है कि दैट दिस सिचुएशन, दिस पेंडेमिक इज रियली अ टफ टाइम टू एक्सेप्ट, किसी से भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। वी ऑल आर वरिड, हम सबके अंदर डर है, लाइक मुझे डर है कि मुझे कहीं से इन्फेक्शन ना हो जाए, कहीं वो इन्फेक्शन मेरी फैमिली में पास ऑन ना हो जाए, कहीं मेरे किसी अपने को कुछ ना हो। सो ये डर हम सबके अंदर है एंड आई अंडरस्टैंड कि बहुत पैनिक है हम इस टाइम पे एंड वी आर फेसिंग एन्जाइटी। इट्स नेचुरल टू फील दैट स्ट्रेस, दैट एन्जाइटी, बट एट द सेम टाइम वी ऑल वॉन्ट टू फील हैप्पी, राइट? वी ऑल वॉन्ट टू फील हैप्पी, वी ऑल वॉन्ट टू फील सेफ। सो दैट्स वॉट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टूडे। आज हम ऐसे प्रैक्टिकल वेज के बारे में बात करेंगे जो कि हमें हेल्प करेगा टू ओवरकम दिस फियर, टू ओवरकम एन्जाइटी एंड टू हेल्प आर सेल्व्स एज वेल एज आर फैमिली। तो मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिससे कि हमें सेफ फील हो, हम थोड़ा सा हैप्पी फील करें, एटलीस्ट वो डर कुछ कम हो, और कैसे हम खुद को और अपनों को सेफ फील करा सकते हैं। सो हम उन सारे सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे जो हमें इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने में हेल्प करेगा। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कि ये एन्जाइटी क्यों है, इतना प्रेशर क्यों क्रिएट हो रहा है। लेट्स टॉक अबाउट दिस। वी आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट द पेंडेमिक, हम कंटिन्यूसली सोच रहे हैं अबाउट पेंडेमिक, लाइक हाउ लॉन्ग विल दिस कोविड सिचुएशन लास्ट, कितना टाइम चलेगा ये कोविड, कब ओवर होगा। यू ऑल आर एग्जॉस्टेड विद दिस और हम कॉन्स्टेंटली इसी के बारे में सोच रहे हैं और यही बातें कर रहे हैं, राइट? एंड वी आर वरिड विद द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन आर कम्युनिटीज एंड इन द वर्ल्ड। सो हम कंटिन्यूसली यही सब देख रहे हैं न्यूज़ में, मीडिया पर, अबाउट द सफरिंग्स ऑफ पीपल, हम यही सब देख रहे हैं एंड यही हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्रिएट कर रही है, राइट? सो सीइंग दिस करंट सिचुएशन, ये हमारे अंदर बहुत फियर क्रिएट कर चुकी है। वी ऑल आर ऑलरेडी स्कैर्ड, राइट? हम बहुत स्कैर्ड हैं इस सिचुएशन को लेकर, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दीज सिचुएशंस आर बियॉन्ड आर कंट्रोल। जो बाहर हो रहा है, जो वर्ल्ड में हो रहा है, जो सफरिंग्स लोग फेस कर रहे हैं या जो हमारी कम्युनिटी में हो रहा है, दीज ऑल थिंग्स आर बियॉन्ड आर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दिस। ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट थिंग है जो हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए दैट ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। स्टॉप फोकसिंग ऑन दीज थिंग्स, ठीक है? जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उस पर फोकस नहीं करना है, हमें उस पर फोकस करना है जो हमारे कंट्रोल में है, राइट? और क्यों फोकस करना है उस बात पर जो हमारे कंट्रोल में है? उस पर इसलिए फोकस करना है जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर ओन हेल्थ, फॉर द सेक ऑफ योर लव्ड वंस। आपकी अपनी फैमिली के लिए आपको फोकस करना चाहिए व्हाट इज़ इन योर कंट्रोल, आपको फोकस करना चाहिए आपकी अपनी हेल्थ पर। कैसे फोकस करेंगे, हाउ विल यू ओवरकम दैट फियर, कैसे ये सब सॉल्व होगा, आई विल टेल यू। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट मेंटल हेल्थ इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, मेंटल हेल्थ उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि फिजिकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। तो हमें उन चीज़ों पर फोकस करना है जो हमारे कंट्रोल में है। ओके, सो नाउ आई विल टॉक अबाउट द थिंग्स दैट आर क्रिएटिंग द एन्जाइटी इन यू। कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत फियर बढ़ा रही हैं आप में, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको काम डाउन होने में हेल्प नहीं कर रही हैं, किस वजह से आप शांत नहीं हो रहे हैं, किस वजह से हमारे अंदर इतना पैनिक है, तो हम वो समझते हैं। जो चीज़ सबसे ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर रही है दैट इज़ वी आर गिविंग टू मच टाइम ऑन न्यूज़ एंड ऑन दी सोशल मीडिया एप्स, वॉचिंग दी सेंसिटिव कंटेंट, वॉचिंग दी सफरिंग्स ऑफ पीपल। हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं उन वीडियोस में जिसमें सफरिंग दिखाई जा रही है। तो किसी की भी सफरिंग देखना इज नॉट एक्सेप्टेबल, हम नहीं देख सकते किसी को सफ़र करते हुए। वी ऑल नो कि हम किसी को सफ़र करते हुए देखते हैं तो हमारे अंदर कितने स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्रिएट होते हैं,
राइट हमें रोना आ जाता है लोगों की सफरिंग्स देखकर, वी फील मोर हेल्पलेस, और ये हेल्पलेस जो हम फील करते हैं उससे हमारी सिचुएशन और वर्सन हो रही है, हम और ज़्यादा गलत सोचने लगते हैं, हमारे माइंड में और नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, वी आर फियरिंग मोर, वी आर गेटिंग स्केयर्ड कि अब नेक्स्ट क्या होगा, सिचुएशन ख़राब होती जा रही है, हमारी कम्युनिटी में इन्फेक्शंस आ गए हैं और अब क्या होगा। एंड सी इट्स गुड टू स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, हमें इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पता होनी चाहिए, दिस इज़ राइट, बट वॉचिंग द सफरिंग्स ऑफ पीपल, थिंकिंग एंड कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट दैम इज़ श्योरली ट्रिगरिंग द अननेसेसरी पैनिक इन अस, हमारे अंदर फालतू का डर क्रिएट कर रही है, हमारे अंदर और ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर रही है, और यही टेंशन हम दूसरों को भी स्प्रेड कर रहे हैं बाय शेयरिंग दोज वीडियोज़। सो स्टॉप दिस, स्टॉप वॉचिंग दिस सेंसिटिव कंटेंट एंड स्टॉप शेयरिंग दिस। अगर आपको शेयर करना है, इफ़ यू आर रियली इन्वॉल्व्ड ऑन सोशल मीडिया, शेयर करना है कुछ पॉजिटिव शेयर करो, एटलीस्ट ट्राई टू शेयर समथिंग पॉजिटिव वंस अ वीक, इतना आप ज़रूर ट्राई करो। पॉजिटिव न्यूज़ स्प्रेड करने से आपके अंदर भी गुड वाइब्स आएंगे, प्लस आपके अपनों को और दूसरों को आप हेल्प कर पाएंगे टू स्टे पॉजिटिव। तो सोशल मीडिया पे या न्यूज़ में ये वीडियोज़ देखने से ये सिचुएशन और बैड हो रही है, दे आर एक्सेजरेटिंग द सिचुएशन, बहुत वर्सन हो रही है और हमारे अंदर ये डर और ज़्यादा बढ़ रहा है। सो एक ही सोल्यूशन है इसका, लिमिट योर टाइम ऑन न्यूज़ एंड ऑन सोशल मीडिया, कम्प्लीटली इग्नोर द वीडियोज़ दैट आर शोइंग द सफरिंग्स ऑफ पीपल, कम्प्लीटली स्टॉप देम, पूरी तरह इग्नोर करो, डू इट फॉर द सेक ऑफ योर ओन हेल्थ, डू इट फॉर द सेक ऑफ योर लव्ड वंस। इनफैक्ट आप ये करो कि इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के लिए वन टाइम फिक्स कर लो, वंस इन अ डे एक टाइम फिक्स कर लो, एंड फ्रॉम वन ट्रस्टेबल सोर्स। अब आपको वो न्यूज़ देखने के लिए भी वीडियोज़ नहीं देखने हैं, यू हैव टू रीड द न्यूज़, आपको रीड करनी है न्यूज़ थ्रू वन ट्रस्टेबल सोर्स, लाइक आई प्रेफर टाइम्स ऑफ इंडिया, तो वो एक ट्रस्टेबल सोर्स है, वहाँ कोई फालतू का कॉन्टेंट मुझे नहीं दिखता, दे शेयर ओनली ऑफिशियल न्यूज़, और वहाँ से मैं न्यूज़ रीड कर लेती हूँ, आई डोंट वॉच वीडियोज़, मुझे पता है कि वीडियोज़ देखकर मुझ पर क्या असर होगा, आई विल क्रिएट स्ट्रॉन्ग इमोशंस, और मैं उन्हीं स्ट्रॉन्ग इमोशंस को दूसरों के साथ भी शेयर करूँगी, राइट। तो इमोशंस बहुत कंटेजियस होते हैं, अंडरस्टैंड दिस, जो आप फील कर रहे हो वो आप दूसरों को भी फील करवाओगे, जब आप डर में हो तो आप दूसरों को सेफ कैसे फील करवाओगे। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, लिमिट योर टाइम ऑन सोशल मीडिया, डोंट शेयर एनीथिंग नेगेटिव, स्टॉप वॉचिंग सेंसिटिव कॉन्टेंट, स्टॉप वॉचिंग दी सफरिंग ऑफ पीपल, एंड स्टॉप शेयरिंग दीज वीडियोज, शेयर समथिंग पॉजिटिव ईच डे लाइक अ गुड थॉट विद योर लव्ड वंस, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर और अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही शेयर करिए, पॉजिटिव वीडियोज ही शेयर करिए। अब ये प्रॉब्लम है कि जब आपका इतना सारा टाइम बचेगा, जब आप सोशल मीडिया ऐप्स पर वो टाइम नहीं दोगे तो वो टाइम कहाँ जाएगा। यू हैव टू यूटिलाइज दिस टाइम बाय स्पेंडिंग द टाइम विद योर फैमिली, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, वॉच अ रिलैक्सिंग मूवी, ठीक है, लिसन टू सम ओल्ड सॉन्ग्स, सूदिंग सी म्यूजिक सुनो उनके साथ, हेल्प ईच अदर इन डेली टास्क, कुछ घर में क्लीन कर लो, प्लस आप ये कर सकते हो कि अपने रिलेटिव्स को, अपने लव्ड वंस को, अपने कॉन्टेक्ट्स को कॉल करो, कॉल पे बात करो, वी नो दैट वी आर नॉट एबल टू हेल्प ईच अदर फेस टू फेस, हम किसी के पास जाकर उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, एंड पीपल आर सफरिंग आई नो, बट हम कुछ कर नहीं सकते हैं, वी आर हेल्पलेस, वॉट वी कैन डू इज टू हेल्प देम बाय आर काइंड वर्ड्स, उनकी हेल्प करो बाय कॉलिंग देम, बाय सेइंग सम गुड वर्ड्स, डू नॉट वर्सन दिस सिचुएशन बाय रिएक्टिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्ट मत करो कि अगर कोई बोल रहा है कि मुझे फीवर हो रहा है, ओ माई गॉड आपको फीवर हो रहा है, आप टेस्ट करवा लो, स्टॉप दिस, आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको काम डाउन करना है सामने वाले को, सो बी काइंड, हेल्प देम स्टे पॉजिटिव, टेल देम टू काम डाउन, अंडरस्टैंड कि ये टफ है, हमारे आसपास भी केसेस हो रहे हैं, हमारे अपनों में भी केसेस हो रहे हैं, और वो हमें कॉल करके अपनी सफरिंग बताते हैं, सो आई अंडरस्टैंड कि सिर्फ वीडियोस में सफरिंग नहीं है, हमारे अपने भी सफ़र कर रहे हैं, बट वी नीड नॉट टू रिएक्ट स्ट्रांगली, हमें स्ट्रांगली रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें वाइसली रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है, आराम से काम डाउन होकर रिस्पॉन्ड कीजिए, ट्राई टू हेल्प योरसेल्फ एंड अदर्स। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टिप्स, कुछ सिंपल सी टिप्स जो कि आपको हेल्प करेंगी टू ओवरकम द फियर एंड टू स्पेंड लेस टाइम ऑन सोशल मीडिया एंड ऑन न्यूज़। फर्स्टली जब भी आपको कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, बी अवेयर, बी माइंडफुल ऑफ योर थॉट्स, ऑफ योर एक्शंस, आप सोचो कि इज़ दिस हेल्पिंग मी बाय एनी मीन्स, क्या ये सोचने से या ये करने से, ये जो नेगेटिव वीडियोस हम स्प्रेड कर रहे हैं, क्या इससे किसी की हेल्प हो रही है, क्या इससे मेरी खुद की हेल्प हो रही है, एंड थिंक कि क्या इससे बेटर कुछ है जो हम कर सकते हैं ऑन अ पर्सनल लेवल
टू हेल्प आवरसेल्व्स एंड टू हेल्प अदर्स। एंड ऑब्वियसली बहुत कुछ है ऐसा पर्सनल लेवल पे जो आप कर सकते हैं, खुद की हेल्प कर सकते हैं और दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। सो ऐसी ही कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में अब बात करते हैं। फर्स्टली यू नो कि वी आर गेटिंग स्कैर्ड अबाउट गेटिंग इन्फेक्टेड, कि हमें कहीं से इन्फेक्शन ना हो जाए, वो इन्फेक्शन हमारी फैमिली में पास ऑन ना हो। इस फियर को दूर करने के लिए यू नो कि हमें सेल्फ हाइजीन मेंटेन करनी है। वी ऑल नो दैट वी नीड अ गुड सेल्फ केयर, अपनी भी केयर करनी है एंड प्लस दूसरों की भी केयर करनी है बाय टेलिंग देम टू वॉश हैंड्स फ्रीक्वेंटली, डू नॉट टच योर हैंड्स ऑन फेस, ऑन योर आईज, नोज और ईयर्स। और जब तक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है अपने घर से बाहर बिल्कुल मत जाइए, जितना आप घर में रहेंगे उतना आप सेफ रहेंगे, राइट। सेकेंडली जो आपकी हेल्प करेगा दैट इज गेट इन टू द हैबिट ऑफ हैविंग रेगुलर मील्स एट फिक्स्ड टाइम्स। अपना खाना खाने का टाइम फिक्स कर लीजिए, ब्रेकफास्ट का टाइम, लंच टाइम एंड डिनर टाइम बिल्कुल फिक्स रहे, इस बात को आपको मेक श्योर करना है, राइट। प्लस हाइड्रेट मच, अब तो समर्स हैं तो बहुत हाइड्रेशन की जरूरत है। ये हाइड्रेशन आपको डिटॉक्सिफाई भी करेगा, प्लस आपको बहुत हेल्प करेगा टू स्टे हेल्दी। पानी बहुत सारा पीना है, प्लस ट्राई कि वंस इन अ डे सबके लिए आप वार्म लेमन वाटर बनाओ और वो सबको दो एंड खुद भी पियो टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी, राइट। तो जब आपके ये टाइम फिक्स रहेंगे, जब आपके खाना खाने के टाइम फिक्स रहेंगे तो बाकी काम भी टाइम पे होगा, राइट। अपने काम करने के टाइम को फिक्स कर दो, न्यूज़ देखने के टाइम को फिक्स कर दो वंस इन अ डे। डू नॉट स्क्रॉल ऑल डे, हम स्क्रॉलिंग करते जाते हैं, वीडियोज मिलते जाते हैं और हम देख रहे हैं और वही हमारे पैनिक को, हमारे डर को बढ़ा रहा है। सो स्टॉप दिस एंड स्टार्ट हैविंग अ फिक्स्ड रूटीन। थर्डली जो आपकी बहुत हेल्प करेगा दैट इज गेट अप बिफोर सनराइज। सनराइज से पहले उठना है और नेचर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है। अपने टेरेस पे जाइए, अपनी बालकनी में जाइए अगर आपके पास टेरेस नहीं है, एंड इफ इट इज सेफ आउटसाइड तो ही बाहर जाइए फॉर अ वॉक और एक्सरसाइज। तो हमें सुबह उठकर सनराइज से पहले उठना है, कुछ पॉजिटिव थॉट्स के साथ उठना है, हेल्दी फील करना है एंड एक्सरसाइज जरूर करनी है। एक्सरसाइज, योगा एंड मेडिटेशन ये ज़रूर इंक्लूड करिए अपने डेली रूटीन में। दिस विल हेल्प यू इन मैजिकल वेज। जितना टफ आप समझते हैं एक्सरसाइज करना या योगा करना, उतना ही ज़्यादा ये आपकी हेल्प करते हैं टू रिलीव दैट स्ट्रेस, टू हेल्प यू स्टे पॉजिटिव। ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो सुबह उठकर एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। ट्राई टू इंक्लूड योर फैमिली मेम्बर्स विद यू एंड फॉर दिस टू गेट अप बिफोर सनराइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रात में जल्दी सोएं, तो अपने सोने का टाइम भी आपको फिक्स करना है सो दैट प्रॉपर स्लीप भी हो पाए। स्लीपिंग फॉर एटलीस्ट 8 hours इज रियली इम्पॉर्टेंट, तो वो भी आपको मैनेज करना है। तो आप वो ज़रूर ट्राई करो, गेट अप बिफोर सनराइज, वो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा आपकी लाइफ में, ओके। नेक्स्ट थिंग जो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है दैट इज़ कि आपको प्रोडक्टिव कैसे होना है। सो इस टाइम पे और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रोडक्टिव होना। वी ऑल नो कि ये सारी सिचुएशंस देखकर बहुत टफ हो गया है प्रोडक्टिव होना, बहुत टफ हो गया है टू फोकस ऑन आर वर्क। वी ऑल आर गोइंग थ्रू दिस, आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू दिस। लेकिन आपको ये भी सेम टाइम पे समझना है कि आप अपनी हेल्प खुद कर सकते हो। हाउ यू कैन हेल्प इस, अपने डेली टारगेट्स फिक्स करो, प्लान ऑफ एक्शन फिक्स करो कि मुझे उस टारगेट को पूरा करने के लिए क्या क्या करना है, एंड एंड ऑफ द डे अपने आप को जज जरूर करो, जज करो ऑन अ पॉजिटिव बेसिस, अपने आप को अप्रिशिएट करो टू अचीव दैट डेली टारगेट्स। फाइनली अ लास्ट थिंग जो कि आपकी बहुत हेल्प करेगी दैट इज कि थ्रू आउट द डे यू हैव टू सेट ब्रीफ ब्रेक्स। छोटे छोटे ब्रेक्स लेने हैं, किस चीज़ के लिए लेने हैं, आपको ब्रीदिंग करने के लिए छोटे छोटे ब्रेक्स लेने हैं। सो आई अंडरस्टैंड कि मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग बहुत आलस चढ़ता है करने में, सो उसके लिए छोटे छोटे ब्रेक्स लेने हैं, अपनी फैमिली के साथ बैठना है। और आप एक टेक्निक ट्राई कर सकते हो जो मैं ट्राई करती हूँ, दैट इज़ बॉक्स ब्रीदिंग। बॉक्स ब्रीदिंग होता है जब हम ऑन द काउंट ऑफ 4 इनहेल करते हैं, ऑन द काउंट ऑफ 4 एक्सहेल करते हैं। सो दिस यू कैन ट्राई, मैं ये करती हूँ प्राणायाम के साथ। सो आई इनहेल थ्रू वन नॉस्ट्रल ऑन द काउंट ऑफ 4 एंड आई एक्सहेल थ्रू द अदर नॉस्ट्रल ऑन द काउंट ऑफ 4 एंड यू हैव टू रिपीट दिस 4 times। तो छोटे छोटे ब्रेक्स में ब्रीदिंग करनी है। दिस विल हेल्प यू अ लॉट, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी टू रिलैक्स योर सेल्फ। तो आपका माइंड भी बहुत रिलैक्स होगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा एंड यू आर हेल्पिंग योर बॉडी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पे आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो टू हेल्प योर सेल्फ एंड हेल्प योर फैमिली, ओके। सो दिस इज ऑल, आई एम रिपीटिंग इन शॉर्ट, नेगेटिव न्यूज़ से दूर रहना है, मीडिया पे, सोशल मीडिया ऐप्स पे, न्यूज़ पे टाइम अपना लिमिट करना है, फिक्स वंस इन अ डे, सेट अ डेली रूटीन, सेट अ फिक्स्ड रूटीन फॉर रेगुलर मील्स, फॉर हाइड्रेटिंग योरसेल्फ, गेट अप बिफोर सनराइज एंड इंडल्ज विद नेचर, डू सम फिजिकल एक्टिविटी, डू योगा एंड मेडिटेशन, इन्वॉल्व योर फैमिली, इंडल्ज इन हेल्दी कन्वर्सेशंस, जिससे भी बात कर रहे हो आप हेल्दी डिस्कशंस ही करो, ट्राई डूइंग दिस, दिस विल हेल्प यू अ लॉट।
फाइनली जो मैंने आपसे कहा था एट द एंड ऑफ द वीडियो, मैं आपसे बात करूंगी अबाउट द ब्लैक फंगस। तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जिनकी कम्युनिटी में, जिनकी सोसाइटी में ऐसे केसेस आ गए हैं जो कि ब्लैक फंगस से इन्फेक्ट हो गए हैं, एंड दे आर वरिड, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। सो मैं उनको बता दूँ और आप सबको बता दूँ कि ब्लैक फंगस ऐसे ही किसी को स्प्रेड नहीं होता है। इट कैन स्प्रेड बट ये हार्म नहीं करेगा। ब्लैक फंगस सिर्फ उनको हार्म करता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत सप्रेस हो गई है। इट इज़ हार्मिंग दी कोविड पेशेंट्स। सो ऐसे कोविड सर्वाइवर्स जो अभी अभी ठीक हुए हैं और उनकी इम्यूनिटी बहुत लो है, उनको इन्फेक्शन हो रहा है ब्लैक फंगस का, और वो आपको इतना ईजिली हार्म नहीं करेगा। ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में इम्यूनिटी है। आर इम्यूनिटी हैज़ द पावर टू फाइट अगेंस्ट ब्लैक फंगस। इस बात को समझ लो और डरना बंद कर दो। अगर आपने बाय चांस कहीं से ब्लैक फंगस के स्पोर्स इनहेल भी किए तो वो आपको कहीं भी हार्म नहीं करेंगे। आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है टू फाइट अगेंस्ट दी ब्लैक फंगस। तो इस बात से डरना बंद कर दो, आपको हार्म नहीं होने वाला है। स्टार्ट फोकसिंग ऑन गुड मील्स जो कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाए। आई होप दिस विल हेल्प यू, एंड आई होप कि जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर करी टू ओवरकम दी स्ट्रेस, टू ओवरकम दी फियर, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। लेट मी नो योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक्ड दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन, शेयर विद अदर्स, पॉजिटिव न्यूज़ को शेयर जरूर करिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए, बी काइंड टू अदर्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।